आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है तो मैंने सोचा मैं वीडियो शूट कर ही लेती हूँ, एक बड़ा सा व्लॉग। और ये रही इसका बर्थडे, आज ये 18 साल की हो गई। इसकी ड्रेस तो देखो। हाँ तो आपने इसको कमेंट में बर्थडे विश करना। और तुम्हारी क्या विश है बर्थडे पे? कि आप बहुत सारे सब्सक्राइबर कर दो और हमारा जल्दी से सिल्वर प्ले बटन आ जाए। ये तो प्लीज कर देना। अब हम जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट। सबने क्या क्या पहना है मैं दिखा देती हूँ। इसके ड्रेस तो ये रही, इसने ये पहना है। देन मैंने क्या पहना है, मैंने ये पहना है, जो भी पहना है। देन शिवानी ने क्या पहना है आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। और शिवानी ने पहना है ये, क्या पहना दिखाओ। इसने ये पहना है। और तुम्हारी क्या विश है? क्या हमने शायरे कह रही मेरा फेस मत दिखाओ। और तो दिखा दिया, फोटो के लिए हाय भी करना होता है, हाय कर रही है। अब मैं जूते पहन लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और ये है हमारे गली के बच्चे, हमारे क्यूटी क्यूटी से। देखो इन्होंने कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस पहनी है नी। अरे ऐसे खड़े एकदम, अरे हाय तो करो, इतना वैसे क्यों खड़े हो। और पर्स देखो कितना बड़ा ले रही है। चलो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ प्रश्युम ने क्या पहना है। ये बेचारा यहाँ घर की चप्पल। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। डाउन टू अर्थ नहीं है बोल, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मुझे कोई दिलाता ही नहीं है बोल दे। ऐसा कुछ नहीं है, बस इतने ही कपड़े हैं। लेकिन इसका ना एक अलग ही रहता है कि मेरे को पजामा टी शर्ट में कंफर्टेबल है, मैं यही पहन के चलूंगा। कहाँ से चलेंगे? तुम्हें लिफ्ट से जाना अच्छा लगता है? इसने देखो तुम्हारे हेयर बैंड को क्या करा है पीहू। अच्छा ये बताओ मेरा नाम क्या है? क्या नाम है? आशी राठौर। चलो हाय करो, पहले हाय करो, देखो उधर देख के हाय करो। ये हाय भी नहीं कर रहा है, बहुत बेइज्जती कर रहा है मेरी। पहली बार हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। अब हम अंदर जाते हैं और आप भी देखना और मैं भी देखूंगी ये कैसा है। इसके अंदर की डेकोरेशन ना यार बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर यार। प्लीज एक बार बता दो क्या क्या ऑर्डर करना है। आप दोनों क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? डेकोरेशंस तो काफी ज्यादा अच्छी थी। अब खाने की बारी आ गई थी तो मैंने ना उनकी एक स्पेशल थाली ऑर्डर करी थी और चिली पराठो मैंने अभी थोड़ा ही मंगाया था, बिकॉज पहले टेस्ट कर लूं वो कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये खाने की वीडियो हो जाए तो हम जल्दी से खाएं यार, बहुत भूख लग रही है। जितनी अच्छी इनकी डेकोरेशन थी उतना ही लजीज इनका खाना था, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना था और सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद इनके मैंने मंचूरियन एंड फ्राइड राइस ऑर्डर करे। मैंने चाउमिन भी बोली थी बट उनके पास चाउमिन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, बट ये दोनों भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। लोग खाना खा के उठ चुके हैं लेकिन मेरा अभी तक खत्म नहीं हो रहा था, जो भी बचा कुचा था मैंने कहा मैं सब खा लूंगी बिकॉज बहुत टेस्टी लग रहा था। उसके बाद मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था तो फिर हम लोग पिज्ज़ा खाने चले गए थे। हमने पिज़्ज़ा स्टफ गार्लिक ब्रेड एंड चोकोलावा ये सारी चीज़ें खाई और ये भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और यार ये इतना गर्म था ना मेरा मुँह जल गया यार। आज तो अनु बड़ा खुश हो गई कि यार मज़ा ही आ गया उसका, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। देन मैंने अपना चोकोलावा खाया, यार ये मुझे किसी को देना अच्छा नहीं लगता, मैं इसे बिल्कुल शेयर नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने चोकोलावा लिया जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और भी बहुत सारी चीजें ली है, पिज्जा है, स्टफ गार्लिक ब्रेड है, कोक है, बहुत कुछ है। हमने जो पिज्जा नहीं खाया उसको पैक करा लिया और इन सबको लग रहा है मैं फोटो खींच रही हूँ। अब हम जा रहे हैं घर और यही हमारा सेलिब्रेशन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।